अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ जी, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कस्टमाइज्ड बेस जो कि अक्सर पॉलर्स वगैरह में सीक्रेटली बना के यूज़ की जाती है, जिसके आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड मजे की बात ये कि ये वाटर प्रूफ होने वाली है, तो अगर आपको पसीना बहुत आता है और जैसे समर्स वगैरह में काफ़ी स्वेटिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है और साथ साथ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड इसके अलावा बहुत अफोर्डेबल चीज़ों से बनाई है मैंने, वरना अगर पार्लर या सलून्स वगैरह में आप लोग उनको बोलो कि आपको कस्टमाइज बेस बनाकर दे दें, बना तो देते हैं कुछ लोग, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एंड इसके अलावा इसकी कवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो अगर आपको डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या आपकी स्किन पर काफ़ी स्कार्स वगैरह हैं, तो उसको हाइड करने के लिए भी ये बेस्ट है। एंड पार्टीज और दूसरे ओकेजन के लिए फाउंडेशन बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आराम से 7 to 8 hours तक लास्ट करेगी। और इसके अलावा ब्राइडल वेयर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी होगी, वो मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगी। ओके, जिसमें इस बेस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए है वो है क्रिस्टीन की प्रोफेशनल पेंट स्टिक। ज़रूरी नहीं है आप क्रिस्टीन कंपनी के लें, आप कोई और से भी ले सकते हैं। मेरे पास शेड नंबर CN45 है और इस पर इनफैक्ट कंप्लीट एक अलग से रिव्यू मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ये चाहिए होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ क्वांटिटी में जो यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 face के लिए काफ़ी होगी, तो अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ब्राइडल वेयर के लिए आपको बस एक चीज़ चेंज करनी होगी, सो वो चेंज आपको इस पेंट स्टिक में ही करना होगा। अगर आप पार्टी वेयर या ओकेजन वाइज कोई और मेकअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है, लेकिन अगर आप ब्राइडल मेकअप की बात करें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी क्रायलॉन की पेंट स्टिक। ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप शॉप्स वगैरह से क्वार्टर भी ले सकते हो, यानी कि पूरी पेंट स्टिक आपको शायद 2500 या 3000 तक की मिलेगी, लेकिन अगर आप क्वार्टर वगैरह में लेंगे तो आई गेस आपको 700 to 800 rupees तक की मिल जाएगी, क्योंकि उस पेंट स्टिक की कवरेज वगैरह काफी थिक होती है और इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग भी वो बहुत ज्यादा होती है, तो ब्राइडल्स के लिए ज्यादातर पॉलर्स में वो यूज़ की जाती है। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है इस पेंट स्टिक की। अब इसके बाद सेकंड चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो होगा प्राइमर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर है। अच्छा, इनफैक्ट अगर आपको अफोर्डेबल मेकअप के ऊपर कोई वीडियो चाहिए ना, तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने कंप्लीट रेंज शेयर की हुई आपसे बहुत अफोर्डेबल मेकअप की, और जो कि ट्रस्टेड भी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया। अच्छा जी, सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल प्राइमर फ्रॉम मिस रोज़। तो जो प्राइमर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ आपकी एप्लीकेशन को काफ़ी स्मूथ और फ्लॉलेस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 pumps ऐड कर रही हूँ मिस रोज़ प्राइमर के, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप इसमें 5 pumps ऐड कर लीजिएगा, उससे आपकी फाउंडेशन और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बेहतर हो जाएगी। अब हमारी इस कस्टमाइज बेस में हम जो थर्ड चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है अगेन क्रिस्टीन का ऑयल फ्री पैनकेक। अच्छा, मेरे पास शेड नंबर नेचुरल 01 है, या फिर इसे आप FS45 भी कह सकते हैं। एंड ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल फ्री पैनकेक है एंड पर्सनली मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, गेट योर हैंड्स ऑन दिस, आपकी बेस को लॉक करने में, सील करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं स्क्रैच करूँगी, और क्वांटिटी आप अगेन देख लें, मैं तकरीबन इतनी क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। जो हमारी फाउंडेशन है ये तकरीबन 2 face के लिए होने वाली है, मतलब नेक समेत, तो आप देख सकते हैं अगर आपको क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी हो तो। सो यस, यहाँ पर हमारा पैनकेक भी ऐड हो चुका है। अब बारी है हमारे फोर्थ इंग्रेडिएंट की, एंड इट इज़ मिस रोज़ की मैट वेयर लिक्विड फाउंडेशन। ज़रूरी नहीं है आप मिस रोज़ की यूज़ करो, आप कोई से भी लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन की एक खासियत ये होती है कि वो आपकी बेस को बहुत फ्लॉलेस करते हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी स्किन पे काफ़ी इवन फाउंडेशन लगती है और आपकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर, आई हैव दिस वन इन आइवरी शेड, और इसके तकरीबन 3 dips में यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कंसीलर वैसे फाउंडेशन से आप पहले भी लगा लेना, क्योंकि उससे होगा आपके डार्क सर्कल्स या मार्क्स वगैरह जो होंगे वो सही से हाइड हो जाएंगे, और फिर क्योंकि हमने फाउंडेशन में थोड़ी सी मिलाई हुई है तो इससे आपकी स्किन पे हमारी फाउंडेशन की कवरेज काफ़ी अच्छी सेट होगी। हाँ जी, सो इसके बाद हमें अपनी कस्टमाइज फाउंडेशन में जो इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आइकॉनिक लंदन इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। अच्छा, इस पे भी अगेन सेपरेट से एक वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने आपके साथ 3 shades जिसके स्वचेस भी किए हैं, उसके प्राइस वगैरह भी बताए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो इस लिक्विड हाइलाइटर के यहाँ पर मैं तकरीबन 2 drops ऐड कर रही हूँ, इससे होगा ये कि आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा ग्लोई दिखेगा। वैसे ही मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है और साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। अच्छा जी, अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर ना हो और इनफैक्ट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पाउडर वाला हाइलाइटर भी ऐड कर सकते हैं, बट फिर आपको मिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अलग से रह जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, सो फाइनली अब बारी है लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और वो है आलमंड ऑयल। आप लोग सोच रहे होंगे बेस में आलमंड ऑयल, ये क्या बात हो गई? तो अक्सर मुझे जो इशूज सुनने को मिलते हैं वो ये होता है कि जनाब हमारी बेस फट जाती है, क्रैक्स नजर आते हैं उसमें, या इजीली अप्लाई नहीं होती है, फ्लॉलेस नहीं लगती है, तो उन सबका यही हल है कि आप इसमें कोई सा भी एसेंशियल ऑयल या कोई कैरियर ऑयल ऐड कर लें। यहाँ पर मेरे पास स्वीट आलमंड ऑयल है, जो कि ऑलिव नेचुरल्स कंपनी का है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको आइडिया होगा मैं ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें ऑलिव नेचुरल्स कंपनी की यूज़ करती हूँ, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आपने बस ध्यान ही रखना है कि इसकी क्वांटिटी जितनी आपको मैं बता रही हूँ बस उतनी ही हो, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। तो यहाँ पर मैं पहले डायरेक्ट अप्लाई करने वाली थी, बट मेरे जहन में आया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है, तो पहले मैं थोड़ा सा हाथ में निकाल रही हूँ। अब मैं इसके जरिए ऐड करूंगी बस 2 drops, 2 drops से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ऑयली स्किन, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें तकरीबन 3 to 4 drops भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा जी, सो अब इसके बाद हमारी सारी चीज़ें क्योंकि ऐड हो चुकी हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि असल एफर्ट आपकी यहीं पे लगेगी, क्योंकि इसमें से जो पेंट स्टिक हमने ऐड किया ना उसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप देख सकते हैं थोड़े पार्टिकल्स उसके अलग रह जाते हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और एक ये फाइन सा पेस्ट बन चुका है, देन यस, योर बेस इज रेडी। ओके, सो बेस अप्लाई भी करके आपको दिखाऊंगी और मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको 2-3 tips देना चाहूँगी मैं, जो कि आपको फाउंडेशन लगाने से पहले फॉलो करनी चाहिए, उससे आपकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले टिप है स्किन प्रेप, क्योंकि अगर आपकी स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड और वेल हाइड्रेट नहीं होगी तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी बेस में क्रैक्स आएंगे, फटी फटी सी लगेगी आपकी बेस और फ्लॉलेस और नेचुरल लुक नहीं आएगा उसका। तो आपको स्किन प्रेप करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है,
देन कोई सा भी टोनर अप्लाई करना है, और अगर टोनर ना हो तो आप सिंपली रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ठंडा हो। आप रोज वाटर की बॉटल को रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद उसको स्प्रे करेंगे तो आपके फेस पे काफी रिफ्रेशिंग लुक देगा, साथ साथ आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे। तो आपने वो स्प्रे करना है, एंड देन जब आपका रोज वाटर सही से ड्राई हो जाए उसके बाद आपने अप्लाई करना है शीट मास्क। अगेन मेक श्योर कि ठंडे अप्लाई करो आप, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बट अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। दोनों तकरीबन सेम काम करेंगे, बट शीट मास्क थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और शीट मास्क मेरे पास डॉक्टर रेशल के हैं एलोवेरा वाले वेरिएंट में, इसमें विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द बेस एप्लीकेशन। अक्सर लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो बस डायरेक्ट जो पफ या ब्लेंडर हाथ में आता है फटाफट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। आपको सबसे पहले अपना स्पंज जो है किसी पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करना होगा। आप देखेंगे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाता है। अच्छा, सो मैंने यहाँ पर इसको देखें थोड़ी देर के लिए डिप करके रखा पानी में, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया है। अब मैं अपनी बेस अप्लाई करूंगी, तो हमारी जो बेस अभी प्रिपेयर की थी वो थोड़ी सी मैंने हैंड पर लगा ली है। अब इस पफ की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अक्सर लोग मिस्टेक यहाँ पे ये करते हैं कि वो रगड़ रगड़ के बेस को साफ करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट जाया होता है। तो आपने यहाँ पर इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है, मतलब कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ टैप करना है आपने बार बार। इससे आपकी बेस जो है काफी फ्लॉलेस दिखती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। अच्छा, अब मैं आपको वाटर प्रूफ का डेमो भी करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास रोज वाटर की बॉटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ, एंड मैं आपको इसको रगड़ के हटा के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी बेस स्मज नहीं हो रही है ये। हाँ जी, सो ये वाटर प्रूफ होने का डेमो भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस बेस को ट्राई करके मुझे रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।